कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश। इसमें क्रैश कोर्स का डे 39 है, ठीक है, यानी 39वीं क्लास चल रही है। और कल जो 40 नंबर की क्लास आएगी उसमें आपका पवार राजवंश भी एंड हो जाएगा। मतलब कि हिस्ट्री वाला पोर्शन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50 क्लास से पहले आपका राज्य निर्माण आंदोलन भी मैं क्या करा दूंगा, एंड करा दूंगा। उसके बाद 40 क्लासेस बचती हैं जिसमें उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित फैक्ट होंगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड विविध से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी अंतिम के 40 क्लासेस में, ठीक है, कंप्यूटर शुरू कर दी है। 50 क्लास के बाद जैसे ही उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म होगा, रीजनिंग को इसके साथ साथ हम लोग इंक्लूड कर देंगे, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर बहुत हद तक वहाँ एंड हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है, जो मुझे अभी थोड़ा समय लगता है क्वेश्चनों पर, हिंदी वगैरह पर वर्क करने पर, वो क्वेश्चन मैं पिक कर लूँगा, ठीक है। तो डे 39 के तहत जो GS चल रही है हमारी, वो NCERT 7th की जो है वो 2-3 क्लासेस के बाद एंड हो जाएगी, यानी 2 क्लासेस का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखना, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किनके साथ स्थापित किए थे। लिखो अकबर ने 7th में, ठीक है, और अकबर तो हमेशा अकबर से क्वेश्चन बनता है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो किनके साथ किए थे। ये बच्चों राजपूत राजा थे, यानी कहाँ के थे, कछवाह के राजपूत, ठीक है। तो लिखो कछवाह के राजपूतों के साथ। और इसको आप लोगों के पास रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए तो रिवीजन है, और दूसरा ये वाले तो फैक्ट रटने ही है मेडिवल हिस्ट्री के, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिलेबस में इस टाइप का भी नहीं है कि इसको पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शाहजहां को अंतिम दिनों में कहाँ कैद किया गया था। ये क्या गया था बच्चों, आगरा के पास, ठीक है, यानी आगरा में इसको अंतिम दिनों में कैद किया गया था। अगला लिखना है आपको, औरंगजेब ने दक्षिण के किन दो राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। लिखो औरंगजेब द्वारा, ईयर भी पूछता है इसको, ठीक है, औरंगजेब द्वारा दक्षिण के किन दो राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। यानी इसने क्या किया था, दो राज्य ऐसे थे जिसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। ये है बच्चों, एक तो गोलकुंडा है, दूसरा है बीजापुर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखोगे, गोलकुंडा और बीजापुर, यानी बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में। पहले लिखो बीजापुर ब्रैकेट में 1685, और दूसरा गोलकुंडा, यह है 1687, ठीक है। इन दो राज्यों को अपने किस में मिलाया था, इसने साम्राज्य में मिलाया था, यानी दो राज्य ऐसे थे जिसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन है, औरंगजेब ने की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति से युद्ध किसने किया था, ठीक है। तो लिखो मराठा शासकों ने, लिखो औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली किन शासकों ने शुरू किया था, मराठा शासकों ने शुरू किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला जो आता है आपका, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रथा। अकबर, यानी मुगल शासन की बहुत फेमस प्रथा है, मनसबदारी प्रथा थी। इसमें क्या होता था, मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह होते थे, ठीक है, इसको नीचे लिखो, मुगल सेना में आने वाले नौकरशाह होते थे, ठीक है। तो ये जो अपने आप में जो सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम, उसको शुरू किसने किया था, अकबर, यानी मुगल शासन से संबंधित है, ठीक है। अगला लिखो, मुगल जमींदार शब्द प्रयोग किसके लिए करते थे, यानी मुगल शासन में एक शब्द यूज होता था, वो जमींदार शब्द यूज होता था। लिखो मुगलों द्वारा जमींदार शब्द का प्रयोग किया गया, यानी किनके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। ये थे बच्चों, एक तो ग्राम का मुखिया और स्थानीय सरदार, यानी ग्राम मुखिया और स्थानीय सरदारों के लिए,
इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ग्राम मुखिया और स्थानीय सरदार, पूरा लिखना, मैंने खाली सर लिखा है, ठीक है। स्थानीय सरदार के लिए क्या यूज करते थे, मतलब अपने आप में जो एक जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। इसके बाद जो आपका अगला आता है यहाँ से क्वेश्चन, वो मुगल से ही हम लोगों ने पिक किया है, क्योंकि सेवंथ की जब एनसीईआरटी पकड़ोगे उसमें अधिकांश क्वेश्चन किसके हैं, मुगल राजवंशी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, वो लिख लीजिए आप लोग, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था और टोडरमल व्यवस्था इसने चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जब्त शब्द किस चीज के लिए प्रयोग होता था, मुगल काल में जब्त शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता था, ये रखना आपको, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी, ठीक है, लिखो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती थी, जब्त कहलाती थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि मुगल काल में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती थी, जब्त कहलाती थी। अगला देखना कुछ इंपोर्टेंट, मैं आपको लिखाता हूँ, इधर लिख लो, मुगल काल के कुछ इंपोर्टेंट शब्द हैं, ठीक है, एक सूबेदार, ये सब मुगल काल से संबंधित है। दूसरा लिख लीजिए आप लोग दीवान, थर्ड आप लोग लिख लीजिए सदर, और फोर्थ लिख लीजिए फौजदार। ये यूपीएससी ने भी इस बार प्रीलिम्स से जो हुआ था 2000 मतलब इससे पहले वाला 21 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यानी सूबेदार, दीवान, सदर और ये क्या कहते हैं आपका फौजदार, ये किस चीज से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखिए आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, सूबेदार, दीवान, सदर, फौजदार, मुगल शासन व्यवस्था में ये टर्मोलॉजी आपसे पूछता है कि कौन क्या थे। देखिए सूबेदार जो बोला जाता था, प्रांतों के प्रशासक होते थे, यानी प्रांत के जो प्रशासक होते थे उनको क्या बोलते थे, सूबेदार बोलते थे। जैसे प्रांत होते हैं ना आजकल, जैसे आपके स्टेट होते हैं, इसी प्रकार से दीवान जो होता था वित्तीय अधिकारी होता था, बच्चों क्या होता था, फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या लिखोगे इसको, वित्तीय अधिकारी, वित्तीय अधिकारी, रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वित्तीय अधिकारी। सदर जो होता था वो क्या होता था, सदर अपने आप में जो धार्मिक और धर्मार्थ मामले देता था, ठीक है, धार्मिक मामले वाला, सदर का काम क्या होता था, धार्मिक और धार्मिक मामले देखने वाला, धर्मार्थ। और फौजदार जो होता था वो मतलब अपने आप में क्या होता था, सेना नायक, सेना नायक। तो आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए कि मुगल शासन व्यवस्था की जो ये है, सूबेदार, दीवान, सदर, फौजदार, कौन कौन होते थे, क्या होते थे। इसी प्रकार से एक बख्शी शब्द यूज होता है जो कि वेतनभोगी सैनिक होता था, ठीक है, यानी मुगल शासन व्यवस्था में बख्शी कौन होता था, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है कि मुगल शासन व्यवस्था में जो बख्शी था, बख्शी किस चीज के लिए यूज होता था, एक सैनिक वेतनाधिकारी होता था, एक सैनिक जो वेतन का काम करता था, ठीक है, लिखो सैनिक वेतनाधिकारी, यानी सैनिक का काम सैनिक होता था, जो सैनिकों का वेतन देखने वाला, ठीक है, वेतन अधिकारी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपको, वो युद्ध से संबंधित था, एक चौसा का लिख लीजिए, कन्नौज का लिख लीजिए, ठीक है, कल मैंने चंदेरी का था ना, अब चौसा का लिखो, एक चौसा का युद्ध और एक इसको बोलते हैं कन्नौज का, ये भी बहुत फेमस है, और कन्नौज युद्ध को ही बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम युद्ध, ठीक है। जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, बिलग्राम का हुआ था 1540 में, और किस किस के बीच हुआ था, लिखो हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी दोनों, ठीक है, और ये कन्नौज वाला भी हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी लिखना, शाहजहां मत लिख देना। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध अगर पूछता है 1539 और 1540 में किस किस के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ये याद रखना, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, वह आता है बच्चों, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, क्या लिखोगे, अकबरनामा, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये की थी अपने आप में किसने, अबुल फजल ने, अबुल फजल द्वारा क्या की गई थी, अकबरनामा ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है कुतुब मीनार का निर्माण, ये तो पता ही होगा आपको, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है, लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ब्रैकेट में लिखो इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण किया गया, ठीक है,
क्या लिखोगे, इल्तुतमिश द्वारा इसको क्या किया गया था, पूर्ण किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाता है। अगला लिखना है आपको कुतुब मीनार में, ये तो छोड़ दिए, मध्यकाल में वास्तु एक आपको ये बताता हूँ ये किसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ टोडा प्रथा क्या थी, अनुप्रस्थ टोडा ये क्या होता था, लिखो अनुप्रस्थ टोडा। जब मेडिवल इंडिया था मध्यकाल में जो वास्तुकला होते थे, ठीक है, वास्तु मतलब स्थापत्य कला मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाते थे उसकी वो थी, मतलब उसकी एक अपने आप में तरीका था, यानी वास्तुकला के निर्माण की एक शैली थी, ठीक है, लिखो वास्तुकला निर्माण में प्रयोग एक शैली, यह सीधे लिखो वास्तुकला निर्माण से संबंधित, वास्तुकला स्थापत्य कला जो भी पेपर में पूछेगा, ठीक है, निर्माण से संबंधित होती थी, वास्तुकला निर्माण से संबंधित। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण किसने किया था, हौज ए सुल्तानी, हौजे सुल्तानी का निर्माण किया था बच्चों इल्तुतमिश, इसको ब्रैकेट में लिखो, राजा का तालाब बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में। अगला क्वेश्चन लिखना है जो शाहजहां थी अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की, शाहजहां वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका लिखने के लिए, फिर भी लिख लो, शाहजहां के द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब शिफ्ट की गई, आगरा से दिल्ली की से 1638 में, यानी 1638 में इसको राजधानी को शिफ्ट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने, दीवान ए आम प्लस दीवान ए खास, यानी मुगल काल में भी लिख देना, ठीक है, मुगल काल में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था, किसने किया था, शाहजहां ने किया था, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण मुगल काल में किसने किया था, शाहजहां ने किया था, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना आपको दिल्ली सल्तनत में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, यानी दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, ये जामा मस्जिद अलग अलग जगह है, तो दिल्ली वाला लिखना, ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है, दिल्ली में अपने आप में जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण किसने किया था, वो शाहजहां ने किया था, ठीक। इसके बाद अंतिम आता है चार बाग बनाने की प्रथा किसने शुरू की थी, मकबरे के आसपास चार बाग बनाए जाते थे, चार बाग प्रथा, अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार बाग प्रथा शुरू करने वाला मुगल शासक था अकबर, और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अकबर ने सर्वप्रथम कहाँ पर इसका प्रयोग किया था चारबाग पद्धति का, हुमायूं के मकबरे में, लिखो अकबर द्वारा सर्वप्रथम चारबाग प्रथा का प्रयोग, चारबाग प्रथा प्रथम कहाँ हुई थी, हुमायूं मकबरे में, ठीक है, ये हुमायूं का जो मकबरा था उसमें में सबसे पहले चारबाग प्रथा का उसने क्या किया था, प्रचलन शुरू किया था, ठीक है। इतना ही पढ़ के नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मा को तृप्ति में जानता हूँ कब मिलेगी, जब आप उत्तराखंड पढ़ोगे, क्योंकि बिना उत्तराखंड के मैं जानता हूँ आपकी आत्मा को तृप्ति मिलने से नहीं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोगों को क्या भी पढ़ना है, उत्तराखंड का सेक्शन भी देखना है, ठीक है। अब आता है आपका उत्तराखंड पोर्शन, ठीक है, इसी से आपको क्योंकि तृप्ति मिलनी है, और आज अच्छे क्वेश्चन भी आपके जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो अजयपाल था किस पंथ का अनुयायी था, मतलब किसको मानता था, ठीक है, अजयपाल लिखो, ये था बच्चों गोरखनाथ पंथ को मानने वाला, यानी गोरखनाथ पंथ लिख लीजिए, ठीक है, यानी किस पंथ को मानता था, ये गोरखनाथ पंथ को मानने वाला या उसका अनुयायी था। इसके बाद अगला आता है नाक काटने वाली रानी के नाम से कौन जाना जाता था, महारानी कर्णावती, लिखो नाक काटने वाली रानी, सबके लिए है, ठीक है, बेसिक भी होगा इसमें, वाली रानी के नाम से किसको जाना जाता था, रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट, अकबर की तरह लिखो, अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकबर की तरह किसके दरबार में, किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न थे, यानी किसके, किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न थे, फतेह शाह, ठीक है,
फतेहपति शाह लिखो या फतेह शाह लिखो, जो भी लिखते हो तो फतेह शाह या फतेहपति शाह जो भी लिखते हो आप, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पंवार शासक के दरबार में अपने आप में नवरत्न थे, अगर कभी पूछेगा तो फतेह शाह या फतेहपति शाह, इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सुपर इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखना, इसी के समय में देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था गुरु राम राय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, गुरु राम राय द्वारा देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किसके समय किया था, उसका आंसर हो जाएगा फतेह शाह, यानी फतेह के शाह के समय ही उन्होंने क्या किया था, देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किया था गुरु राम राय ने, ठीक है। आप लोग सुनते भी होंगे देहरादून वगैरह में गुरु राम राय के नाम से कितने स्कूल चलते हैं, गुरुद्वारा यहाँ पे फेमस है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, पंवार वंश का अंतिम मतलब कर्णावती जो संरक्षिका थी वो किसकी थी, जैसे रानी कर्णावती लिखा ना मैंने, तो अगला क्वेश्चन लिखो, कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी। संरक्षिका का मतलब है बच्चों, क्योंकि वो शासक छोटा था तो वो शासन उतने सही से नहीं चला सकता था, तो ये उसके एक बैकबोन के रूप में काम करती थी, यानी पृथ्वीपति शाह की क्या थी, अपने आप में संरक्षिका थी, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है, दिल्ली से कुछ लोग आए थे जो कि अपने आप में चित्रकार थे, जिसमें श्यामदास हरदास को जो है अपने आप में आश्रय किसने दिया था, तो पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है। तो लिखो, दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास प्लस हरदास को आश्रय देने वाला, यानी हरदास को आश्रय देने वाला पंवार शासक कौन था, यानी किसने इनको आश्रय दिया था, तो ये अपने आप में हो गया कौन, पृथ्वीपति शाह है, पृथ्वी शाह। और ये भी ध्यान रखना कि किसके समय में आए थे भी पूछ सकता है, यानी किसने इसको आश्रय दिया था, ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला आता है आपका, गढ़वाल गढ़ी या राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था, ठीक है। या तो गढ़वाल गढ़ी पूछेगा, अगर गढ़वाल गढ़ी शब्द इसने टर्मोलॉजी यूज नहीं की तो गढ़वाल गढ़ी की जगह जो दूसरा टर्म्स यूज करेगा उसके लिए अपने आप में करेगा राजगढ़ी, यानी गढ़वाल गढ़ी या राजगढ़ी को दूसरी राजधानी किसने बनाई थी, लिखो राजगढ़ी को सेकेंड कैपिटल यानी दूसरी राजधानी, ठीक है, किसने बनाया अगर कभी पूछेगा तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पृथ्वीपति शाह ने ही इसको अपनी क्या बनाया था बच्चों, सेकंड कैपिटल या दूसरी राजधानी बनाया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, किसने अपने पुत्र का देश निकाला किया था। आपको अगर ध्यान होगा, जब क्योंकि पृथ्वीपति शाह एक ऐसा शासक था जो बाहर से आए लोगों या जो इसके दरबार में आते थे उनका आदर सम्मान करना चाहता था, तो क्या हुआ था, औरंगजेब, मैंने कहानी बताई होगी, औरंगजेब और उसके जो भाई थे उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, अगर ध्यान होगा आपको, तो मतलब कौन अब गद्दी पे बैठेगा, तो उसमें राजा सुलेमान सिको वगैरह दारा सिको ये होते थे, तो दारा सिको का बेटा जब सुलेमान सिको भागकर गढ़वाल में आया तो ये एक अपने आप में पृथ्वी शाह का बेटा था मेदिनी शाह, उसने शिकायत कर दी उसकी औरंगजेब से कि ये भाई आपका इनका जो है छोटा राजकुमार यहाँ भाग के आया, तो इस वजह से पृथ्वी शाह ने उससे क्या कर दिया था, देश निकाला कर दिया था, उसको भगा दिया था, ठीक है। लिखो, किसने अपने पुत्र का देश निकाला किया था, किस गढ़वाल शासक ने अपने पुत्र मेदिनी शाह का देश निकाला किया था, लिखो मेदिनी शाह का देश निकाला मतलब उसने हटा भगा दिया था इसको, ठीक है, निकाला किया था, तो इसका आंसर होगा पृथ्वीपति शाह, यानी पृथ्वीपति शाह एक ऐसा शासक था जिसने अपने पुत्र का क्या किया था, देश निकाला गया था। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, मतिराम और रतन कवि किसके दरबारी कवि थे, लिखो मतिराम प्लस रतन कवि किसके दरबारी कवि थे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो फतेह शाह के अपने आप में क्या थे, दरबारी कवि थे। अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीएस की जो एक आध दिन पहले क्लास आई थी जो मतलब में फैक्ट है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, शक विजेता किसे कहते हैं, उसका आंसर मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय, लिखने में शायद वो समुद्रगुप्त हुआ था, ठीक है, फिर ध्यान से सुनना, करेक्ट कर लेना, अगर मैंने शायद बोर्ड में मैंने समुद्रगुप्त लिख दिया होगा लेकिन बोला मैंने चंद्रगुप्त सेकंड था, यानी अगर कभी क्वेश्चन आता है कि शक विजेता कौन सा राजा कहलाता है तो चंद्रगुप्त याद, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मतिराम और रतन कभी किसके दरबार में थे, फतेह शाह के। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भंगाड़ी का
युद्ध ये हुआ था बच्चों फतेह शाह और गुरु गोविंद के मध्य, ठीक है, फतेह शाह प्लस गुरु गोविंद इनके मध्य क्या हुआ था, भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपने, किसने गुरु रामराय को 3 गांव खुड़बुड़ा राजपुर और चामासारी दिया था फतेह शाह, लिखो किसने गुरु रामराय को, किसने गुरु रामराय को 3 गांव दिए थे। एक तो आपने आता है खुड़बुड़ा, पहला लिखो राजपुर देहरादून में, ठीक है, प्लस खुड़बुड़ा और चामासारी, सारी ये क्या किए थे, दान किए थे। इसका आंसर होगा फतेहशाह, फतेहशाह यानी फतेहशाह ने क्या किया था, अपने गुरु राजपुर मतलब राजपुर खुड़बुड़ा और चामासारी का जो गांव दिया था दान में वो किसने दिया था, फतेहशाह ने। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गोरखनाथ गुफा कहां पर स्थित है श्रीनगर में, गोरखनाथ गुफा ये कहां है श्रीनगर में, कहां पर अवस्थित है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फतेहशाह कर्ण ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, फतेहशाह कर्ण ग्रंथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, फतेहशाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखो फतेहशाह, फतेहशाह कर्ण ग्रंथ, और ध्यान रखना इतनों से इतने क्वेश्चन से काम बन गया तो बन गया, फिर उसके बाद नहीं बना तो फिर समय बर्बाद भी मत करना आपने, ठीक है। फतेहशाह कर्ण ग्रंथ लिखी है बच्चों, ये है जटाधर तथा जयशंकर ने, ठीक है, क्या लिखोगे, जटाधर या जयशंकर, जटाधर या जयशंकर के द्वारा क्या लिखी है, फतेहशाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला जो यहीं पे आता है आपका वो लिखा है फतेह प्रकाश पुस्तक, यानी कुछ पुस्तकों के नाम लिख देता हूँ समझ जाना, ठीक है। एक लिखो फतेह प्रकाश, ये आप इसी तरीके से लिखना है, पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद लिखो वृत्त विचार, वृत्त विचार, ठीक है, वृत्त विचार। इसके अलावा थर्ड लिखना आपको वृत्त कौमुदी, वृत्त कुमुदी या कौमुदी, कैमुदी लिखो, कैमुदी, वृत्त कैमुदी, वृत्त कैमुदी, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, और फतेहशाह यशोवर्मन, फतेहशाह यशो वर्मन, ठीक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें देखो कवि रतन लिखो पहला, फतेह प्रसाद मतलब ये जटाधर, फतेह फतेह प्रकाश लिखी है कवि रतन के द्वारा, कवि रतन, ठीक है। इसके अलावा फतेह प्रकाश के अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो लिखा है सुखदेव मिश्र ने, वृत्त विचार, सुखदेव मित्र, ठीक है। इसके बाद आता है मतीराम, वृत्त कौमुदी किसने लिखी है, मती राम के द्वारा, और अगला आता है फतेहशाह यशोवर्मन, ये लिखी है रामचंद्र के द्वारा, रामचंद्र, रामचंद्र के द्वारा क्या की ये लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद आता है महाराज शिवाजी के समान दाता किसको माना जाता था, फतेहशाह को, लिखो महाराज शिवाजी के समान दाता किसको माना जाता था, फतेहशाह को। आंख बंद करके रट लेना इनको, ठीक है, अब रटना ही एक विकल्प है और रटने में तो माहिर हो, मुझे पता है रटने की तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, रटने में तो माहिर हो आप लोग, फतेहशाह, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिखो रसराज ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, वो है मतीराम के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो रसराज ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई, इसी के इसमें लिखो मतीराम, रसराज ग्रंथ, रसराज ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, मतीराम के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, शिवराज भूषण मतीराम नीलकंठ श्रीनगर किसके समय में आए थे, किसके दरबार में आए थे फतेहशाह, लिखो ऐसे लिखो शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, ठीक है। सेकेंड आपने लिखना है इसी के साथ साथ मतीराम नीलकंठ, सेकेंड लिखो मतीराम, थर्ड लिखना है नीलकंठ, ये कब श्रीनगर आए, लिखो श्रीनगर, लिखो किसके दरबार में आए थे, फतेह शाह के, फतेह शाह के दरबार में ये आए थे, कौन कौन, शिवराज भूषण मतीराम और नीलकंठ, क्योंकि नवरत्न इसके दरबार में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन लिखना है आपको, जटाधर मतीराम और रतन कवि किसके द्वारा आश्रित थे, फतेह शाह, ठीक है। मतलब जटाधर और रतन कवि भी लिख लो आप लोग, ठीक है। जटाधर यहां लिख देता हूं, कहां जटाधर, इधर लिख देता हूं, ठीक है, जटाधर प्लस
मतीराम तो लिख दिया मैंने ना, जटाधर और रतन कवि भी लिख लो आप लोग। रतन कवि ये किसके दरबार में थे? सबके सब फतेह शाह के द्वारा आश्रय थे, मतलब फतेह शाह ने इनको क्या दिया था, आश्रय दिया था। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये था आपका उत्तराखंड का। इसके बाद बच्चों थर्ड एंड लास्ट सेक्शन आज का आता है कंप्यूटर, ठीक है। अभी शायद 39 नंबर की क्लास है ना, फिक्र मत करना, बहुत है अभी आपके पास समय, एग्जाम भी आपके होंगे, थोड़ा सा अभी टाइम है। और अच्छा हुआ कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, जो गलत करेगा, गलत तरीके से कुछ चीज़ करेगा तो पकड़ा जाता है, ठीक है। अब आपका घड़ा फूटता ही, आप लोग सभी जानते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में सुना ही होगा आप लोगों ने। तो आने वाले एग्जाम के लिए एक प्रकार के आपके लिए अच्छे संकेत हैं कि आपका चीज़ें फेयर तरीके से होंगे। आप मेहनत कीजिए, फल ऊपर वाला देता, मैं हमेशा से कहता हूँ, ठीक है। देखना कंप्यूटर का जो पोर्शन है बच्चों, कंप्यूटर के आज के जो क्वेश्चन होंगे वो चलना, कंप्यूटर भाषा लिखना आपको, कंप्यूटर भाषा, यानी मेन हमने क्या चेक करना है इसमें, कंप्यूटर लैंग्वेज चेक करनी है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा की कौन कौन सी होती है, इसमें आपको तीन तरीके से, एक तो आपको नॉर्मल मशीनी कूट भाषा होती है, एक बता रहा हूं, ठीक है, मशीनी कूट भाषा। अगर कभी पूछेगा मशीनी कूट भाषा को आप किस तरीके से मतलब व्यक्त करते हैं, इसको ऐसे लिखो 0.1 के रूप में व्यक्त है। कभी ये पूछेगा कि अगर कंप्यूटर की कौन सी भाषा 0 और 1 के रूप में व्यक्त होती है, तो आप बताओगे मशीनी कूट भाषा, ठीक है। और इसमें एक होता है आदेश कूट और स्थिति कूट। अगर कभी ये पूछेगा मशीनी कूट भाषा के दो क्या क्या चीज होते हैं, एक तो होता है आदेश कूट, दूसरा होता है स्थिति कूट, ठीक है, स्थिति कोड। ये समझ जाओगे ना, आपको इतना ही याद रखना है, मशीनी कूट भाषा को 0 और 1 के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सेकंड होता है बच्चों असेंबली भाषा, क्या होता है असेंबली भाषा, असेंबली भाषा होता क्या है, इसमें कई ऐसी चीजें होती है ना, हम शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे सब्सट्रैक्शन को हमने सब लिख दिया, एडिशन यानी जोड़ने को हमने ऐड लिख दिया, तो ये सब के सब असेंबली भाषा होती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है याद रखे जाने वाले कोड का प्रयोग किन भाषा में होता है, तो असेंबली लिखो, याद रखे जाने वाले कोड का प्रयोग, कोड का प्रयोग, ठीक है, तो किसमें होता है असेंबली भाषा। एग्जांपल देखो, जैसे आप लोग ने एडिशन ना लिख के ऐड लिख दिया, मतलब उसको ऐड करना मतलब जोड़ना, आप पूरा नहीं लिखोगे कि यार हम एडिशन लिखें या इस तरीके से ADDITION लिखें, तो ऐड लिख दिया तो समझ जाएगा। दूसरा सब्सट्रैक्शन ना लिखे SUB लिख जाएगा, ठीक है, DIB डिवाइड, इसके मल्टी MULTI, यानी कुछ भी लिख सकता है, यानी शॉर्ट लैंग्वेज में आपने एडिशन लिख दिया, सब्सट्रैक्शन लिख दिया, तो शॉर्ट उसमें लिख रहे ताकि आप याद कर सके। और तीसरी जो होती है बच्चों वो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और वो होते थे उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, क्या होती है उच्च स्तरीय भाषा, यानी इसको क्या बोलते हैं हाई लैंग्वेज बोलते हैं। अब उच्च स्तरीय भाषा को कैसे याद रखना है, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किस कंपनी ने इसको बनाया था, आप बता देना IBM लिखो, IBM द्वारा सर्वप्रथम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है कुछ है, ठीक है, IBM द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम। और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कौन सी उच्च स्तरीय भाषा बनी थी, तो उसका आंसर बता देना आप लोग फोरटॉन, क्या लिखोगे फोरटॉन, FORTRAN फोरटॉन, ठीक है, FORTRAN, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, ठीक है। फोटोन जो थी बच्चों सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा थी। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषा सबसे पहली उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो बता देना फोटोन। और ये फोटोन भाषा को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है अगर पूछता है, तो IBM। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट्री ये लैंग्वेज से संबंधित है कंप्यूटर भाषा से, वो देख देते हैं। और उतना सिर्फ आप ये याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी कंप्यूटरी भाषा है या कंप्यूटरी भाषा नहीं है, इतना पूछता है। अधिकतम हो गया तो उसको डेवलप किसने किया था, कब हुआ था, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला आपने लिखना है कंप्यूटर भाषा के अंदर फोटॉन, क्या लिखोगे फोटॉन, FORTRAN फोटॉन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी लिख लो ब्रैकेट में, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या लिखोगे फॉर्मूला ट्रांसलेशन, खुद ही लिख लो ना, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या नेट में खुद ढूंढ लेना फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मैंने बता दिया फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोटॉन जो है कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। इसका जो विकास हुआ था बच्चों JW Bakers ने किया था, लिखो JW Bakers द्वारा इसका क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था, और कब किया गया था 1957 यानी 1957 में सबसे पहले फोटॉन उच्च स्तरीय भाषा। और इसका जो काम है, नाम से लग रहा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी गणितीय सूत्रों को आसानी से व कम समय में हल करने हेतु, इसको लिखो गणितीय सूत्रों को कम समय आसानी से हल करने हेतु,
गणिती मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला मतलब सूत्र को आसानी व कम समय में हल, आसानी व कम समय में सॉल्व करने के लिए, नाम से ही लग रहा है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी अपने आप में J.W. बेकर्स ने 1957 में। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि गणितीय सूत्र को आसानी से हल व कम समय में हल करने के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती है, कंप्यूटर में फोर्टान होती है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड है बच्चों कोबोल, COBOL, ठीक है, कोबोल क्या लिखोगे, COBOL। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, तो ध्यान रखना कोबोल मतलब होता है अपने आप में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है खुद देखना, देखो नेट से सर्च कर लेना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर बता रहा हूं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, यानी अपने आप में बिजनेस से संबंधित है, अर्थात इस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक हित के लिए किया जाता है, तो इतना तो खुद ही समझ जाओगे ना, व्यावसायिक हित के लिए, यानी अपने आप में बिजनेस फील्ड में अपने आप में इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और इसको अपने आप में ध्यान रखना फुल फॉर्म ही पूछेगा आपसे कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। थर्ड जो आती है बच्चों वो आता है बेसिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म BASIC, फुल फॉर्म सुन लेना नेट से लिख लेना, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, यानी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फिर सुनना बिगिनर्स ऑल सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, जो भी होगा देख लेना बिगिनर्स ऑल पर्पज इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन कोड है या बिजनेस ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, देख लेना, ठीक है। तो नेट से चेक करोगे इसको बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक भी अपने आप में बच्चों का एक कंप्यूटर की भाषा है, तो कभी क्वेश्चन याद है कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, फोटोन है, कोबोल है, बेसिक है। और बेसिक का जो विकास था जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन ने किया था, कब किसने किया था, जॉर्ज कैमी प्लस थॉमस, जॉर्ज कैमी व थॉमस यूजीन ने इसका क्या किया था, विकास किया था, ठीक है, थॉमस यूजीन ने। और कब हुआ था इसका विकास, 1964 में। ऐसे फुल फॉर्म ही पूछता है और ये पूछेगा कौन सी कंप्यूटर की भाषा है। इसके बाद एल्गोल आता है बच्चों, एल्गोरिथम मतलब एक जो अपने आप में क्या कहते हैं बीजगणितीय संक्रियाएं होती है, ठीक है, एल्गोरिथम यानी एल्गोल, ALGOL लिखो, ALGOL, एल्गोल, ये भी अपने आप में क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, एल्गोरिथम करके होता है, ठीक है, एल्गोरिथम वगैरह यानी बीजगणितीय संक्रिया करके। इसका भी फुल फॉर्म क्या करोगे, तुरंत नेट से ALGOL कंप्यूटर लैंग्वेज का फुल फॉर्म अपनी कॉपी में नोट करोगे। और जटिल बीजगणितीय संक्रिया हेतु इसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है 1958, यानी जो एल्गोरिथम है यानी जटिल बीजगणित उसके लिए सॉल्व होता है, ठीक है, जटिल बीजगणितीय सॉल्यूशन के लिए, यानी जो भी लिखते हो आप लोग जटिल बीजगणितीय सॉल्यूशन के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, लिख दो इसको जटिल बीजगणित हेतु इसका क्या किया जाता है, बीजगणितीय सॉल्यूशन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जटिल बीजगणितीय हेतु ये क्या होता है, एल्गोल। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज आती है बच्चों, फोटोन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल के अलावा, इसके बाद आता है PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होगा PL1, इधर लिख देता हूं, दिखेगा नहीं दिखेगा, इधर लिख देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप PL1, ये यानी PL एक प्रकार की लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1960 में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। कभी ये पूछेगा कि PL लैंग्वेज का अर्थ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कब इसका डेवलपमेंट हुआ था, 1960 में इसको क्या क्या था डेवलप किया था। इसके अलावा कुछ अन्य बेसिक लैंग्वेज आते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे कि नाम सुने रहोगे, नाम सुनोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपने पास्कल, PASCAL, पास्कल भी अपने आप में क्या एक लैंग्वेज है, और इसका जो फुल फॉर्म है खुद ढूंढोगे। इसके बाद एक है कोमल, COMAL, इसके अलावा होता है एक लोगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगो, लोगो क्यों होता है, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे अगर जब कंप्यूटर में लैंग्वेज सीखते हैं ना, वो एक प्रकार के वो दिखाए थे इमोजी टाइप के, मतलब लोगो बनाए होते हैं ना, उनके लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो लोगो के ब्रैकेट में लिख लो, इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखा अनुकृति के लिए एक शिक्षा देना है, तो यानी छोटे बच्चों हेतु होता है, छोटे बच्चों हेतु ग्राफिक रेखाकृति होती है, ठीक है, रेखाएं टाइप की होते हैं,
रेखाकृति होगी। तो ये बच्चों के लिए होते हैं बेसिकली। तो पास्कल हो गया, पास्कल का फुल फॉर्म खुद ढूंढोगे। इसके अलावा क्या हो गया, अपने आप में कोमोल हो गया यानी कोमाल हो गया, लोगो हो गया, एक प्रोलोग भी होता है बच्चों। ये क्या होता है, प्रोलोग लिखो, PROLOG यानी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। क्या लिखोगे, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। और इसका जो प्रयोग किया जाता है बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यानी कृत्रिम बुद्धि हेतु लिखो, कृत्रिम बुद्धि हेतु। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, प्रोलोग। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो अगर आपसे कभी क्वेश्चन, जैसे आपने कंप्यूटर या कुछ भी मोबाइल वगैरह चलाते हो ना, कुछ चीज टाइप करते हो जैसे आप, वो तुरंत पूरा वर्ड दे देता है ऊपर से। जैसे आपने कभी देखा होगा एक चीज स्टडी विथ लिखा तो तुरंत योगेश जी वो ऐसा वैसा सर्च करने लग जाएगा। या आपने जैसे कुछ डाला, कोई शब्द डाला, दो तीन शब्द लिखे होंगे, जैसे आपने कैरेक्टर लिखना है CH इस टाइप से लिखा होगा, पूरा कैरेक्टर लिखा देगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो प्रोलोग भी अपने आप में कंप्यूटर की भाषा है, पास्कल कंप्यूटर की भाषा है, कोमोल लोगो भी है अपने आप में कंप्यूटर की भाषा है। इसके अलावा दो तीन और लिख लो, एक फोर्थ लिख लो, एक पायलट लिखो, एक जावा लिखो, फोर्थ लिख लो, FORTH, फोर्थ जावा, C++, ये सब क्या हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज है। यानी फोर्थ है कंप्यूटर की लैंग्वेज, जावा है, प्रोलोग हो गया, एक पायलट भी लिख दो, लास्ट लिखना ही है तो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, देखो PILOT, ये भी अपने आप में क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और दो लैंग्वेज का नाम और लिख दो, एक लिस्प लिखो, एक स्नोबॉल लिखो, एक लिस्प लिखो LISP, लिस्प, और एक SNOBOL, स्नोबॉल, ठीक है, इधर लिख देता हूँ SNOBOL, स्नोबॉल। ये सब के हैं बच्चों कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो इससे सिर्फ ये पता चल जाता है क्वेश्चन पेपर में जो पूछता है, इनमें से कौन सी कंप्यूटरी भाषा है, कंप्यूटरी नहीं है, या कभी फुल फॉर्म ही पूछेगा, ठीक है। ये था आपका आज का सेशन, Day 39 संभवतः होगा, ठीक है, ये देख लेना। तो होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होंगी, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हम फिर मिलेंगे अगले आपके साथ जो क्रैश कोर्स की क्लास है उसके साथ। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।